असलम स्टूडेंट्स मेरा नाम अमार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम एक्सेलेशन वी स्पीड डिसप्लेसमेंट ये सब मैयर करेंगे और इसके लिए एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फोर से सिक्स तक ये तीन सवाल हम सोल्व करने वाले हैं एज यूजल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें तो ये जितने भी डेफिनेशन लिखी हैं लास्ट लेक्चर में हमने इनको डिटेल में देख लिया था एक मरतबा एक क्यूक ओवरव्यू फिर से कर लेते हैं दिस डेफिनेशन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इनफैक्ट ये आपको डेरीवेटिव की डेफिनेशन से मिलती जुलती नजर आ रही और है और एक्चुअली में वही है इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब आप बात करते हैं ना रेट ऑफ चेंज की तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ऑफ चेंज चेंज तो ये ये डेरिवेटिव आप इंस्टेंटेनियस रेट कर रहे हैं एट एक्स नोट राइट ये उसकी वही डेफिनेशन है इससे एक से ज्यादा मरतबा इससे पहले हम इसको डिटेल में देख चुके हैं नेक्स्ट आता है जी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सिंपली आपके पास कोई भी एक मूविंग uh, बॉडी की आपके पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आपके पास उसकी एक फंक्शन गिवन होता है बेसिकली एस से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करता है एफ ऑफ टी है इस केस में ना टी आपके पास टाइम है एट टाइम टी वो आपके पास एफ ऑफ टी होगा डिस्प्लेसमेंट मैयर करने के लिए आपको विद इन द टाइम इंटरवल फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज करनी है ठीक है तो ये आपके पास डिसप्लेसमेंट आ जाएगा एवरेज फिलोसटी नेक्स्ट डेफिनेशन है दिस इज सिंपली दिलासटी को वैसे देखा जाए तो आपके पास क्या होता है चेंज इन डिसप्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एवरेज फिलोसटी है किसी भी इंटरवल के अंदर होगी विद इन द इंटरवल डिसमेंट और टाइम की रेशो का नाम है एवरेज विलासटी विच यू कैन फाइंड बाई डिवाइडिंग डेल एस बाई डेल टी राइट नेक्स्ट है स्पीड की डेफिनेशन स्पीड इज नथिंग बट द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ़ दिलासिटी वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है स्पीड उसी की बेसिकली स्केलर वैल्यू होती है ठीक है एक्सीशन के लिए आपको चाहिए होता है डेरिवेटिव किसका वेलोसिटी का बेसिकली ये वेलोसिटी में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या आप इसको डबल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं एस का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डिस्प्लेसमेंट में डबल डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू टी नेक्स्ट है एक और डेफिनेशन थर्ड डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम जर्क बोलते हैं इसको वैसे आज के लेक्चर में हम यूज़ तो नहीं करेंगे लेकिन वैसे इसको डिफाइन कर दिया है, तो ये बेसिकली थर्ड डेरिवेटिव होता है यह आप कह सकते हैं कि ये एक्सीलरेशन में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है आ जाए जी अपने क्वेश्चन पे पहले तीन सवाल हम कर चुके हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज फोर से स्टार्ट कर लगे हैं हर क्वेश्चन के फर्दर तीन पार्ट्स हैं और इनफैक्ट उन तीन में भी आगे दो 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 पार्ट्स हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर में एस फंक्शन है टी का तो पोजीशन को बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। टी टाइम सेकेंड में मयर हो रहा है। जीरो से थ्री तक ये इंटरवल की बने ठीक है डिसप्लेसमेंट मैर करनी है विद इन द इंटरवल तो सिंपल फॉर्मूला ऊपर अभी हम देख के आए हैं जिसको आप बेसिकली हम रिप्रेजेंट किया करेंगे इसको डेल एस के साथ ना एस ऑफ थ्री माइनस एस ऑफ ज़ीरो माइनस एस ऑफ ज़ीरो तो कर लें जी वैल्यूज फाइंड थ्री की पावर फोर ओवर फोर माइनस टी की जगह पे थ्री लगा रहे हैं थ्री क्यूब प्लस थ्री स्क्र माइनस सब टी में ज़ीरो लगा दें ज़ीरो की पावर फोर ओवर फोर माइनस जीरो क्यूब प्लस जीरो स्क्वायर तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा इस हिस्से को आपको वैल्यूएट करना है तो ओके okay, थ्री की पावर फोर आई थिंक इट इज एटी वन ऐसे ही है बिल्कुल एटी वन होता है ये बनेगा माइनस का ट्वेंटी सेवन प्लस का नाइन चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज मैं आपको अगर इसका आंसर डायरेक्टली बताना चाहूँ तो दिस इज गोइंग टू तो बी नाइन ओवर फोर ठीक है और दिस इज़ चूँकि डिस्प्लेसमेंट है डिसप्लेसमेंट का यूनिट हम ले रहे हैं मीटर्स के अंदर तो इसका आंसर आ रहा है जी एस ऑफ थ्री माइनस एस ऑफ ज़ीरो डिसप्लेसमेंट का नाइन ओवर फोर मीटर ठीक है अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की तो एवरेज वेलोसिटी के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपल डेल एस ओवर डेल टी करना है आपको वी और सबस्क्रिप्ट में लिख दें ए वी विच रिप्रेजेंट्स एवरेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू चेंज इन डिसप्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बल्कि इसको हम नीचे लिखते हैं ये फाइंड कर चुके हैं विच इज नॉट सॉरी माइनस नहीं है प्लस का नाइन ओवर फोर डिवाइडेड बाई डेल्टी डेल टी कैसे फाइंड करेंगे टाइम इंटरवल की लेंथ है जीरो से थ्री तक है थ्री लेंथ होगी आप इसको थ्री माइनस ज़ीरो भी लिख सकते हैं और नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा नाइन ओवर थ्री टाइम्स फोर थ्री नाइन से कैंसिल आउट होकर अल्टीमेटली आपके पास बनेगा थ्री ओवर फोर सिंस दिस इज वेलोसिटी इसका यूनिट फिर आपके पास क्या होता है मीटर पर सेकेंड ठीक है तो दिस इज ओवर पार्ट ए नेक्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है एक मतलब फिर दो काम करने हैं बॉडी की स्पीड मैयर करनी है और उसका एक्सीन एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल स्पीड के लिए हमें चाहिए होगी इसकी विलोस्ट्री सबसे पहले विच कैन बी फाइंड आउट यूजिंग द डेरिटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी और डी ओवर डी टी एस की वैल्यू क्या गिवन है विच इज टी पावर फोर ओवर फोर माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर कर दें ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट फोर आपके पास स्टार्ट uh, में आ जाएगा और पावर में से आप एक कम कर देंगे यूजिंग दिस इज यूजिंग पावर रूल माइनस थ्री टी स्केर प्लस टू टी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दैट्स इट ठीक है अब क्योंकि ये वेलोसिटी है हमें क्या मैयर करनी है एंड पॉइंट्स के ऊपर तो हमें स्पीड मैर करनी है तो स्पीड के लिए आपको चाहिए होती है वेलोसिटी की एब्सलूट वैल्यू तो पहले हम ज़ीरो पे देख लेते हैं ज़ीरो पे करेंगे तो ये बनेगा ज़ीरो क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ज़ीरो स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ज़ीरो सब कुछ ज़ीरो हो रहा है तो दिस इज़ बेसिकली स्पीड मीटर ज़ीरो मीटर पर सेकेंड राइट इसी तरह अगर बात की जाए थ्री की तो आप थ्री लगा सकते हैं टी की जगह पे और ये सॉरी एब्सलूट वैल्यू भी आएगी साथ में ये बनेगा टी क्यूब मतलब थ्री क्यूब माइनस थ्री टाइम्स थ्री स्क्वेर प्लस टू टाइम्स थ्री तो डायरेक्टली अगर हम देखना चाहें तो ये बनेगा ट्वेंटी सेवन प्लस का ये बनेगा ट्वेंटी सेवन एक मरतबा फिर माइनस का एंड दिस इज टू टाइम थ्री सिक्स तो इसका आंसर आ रहा है जी सिक्स मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है वो फंक्शन के एंड पॉइंट पर लास्ट पॉइंट पे, सिक्स मीटर पर सेकेंड थी इसी तरह अब हमें एंड पॉइंट्स पर चाहिए फंक्शन के लिए क्या चाहिए बोला एक्सीड्रेशन चाहिए तो so, एक्सीडेशन के लिए आप जानते हैं हमें दोबारा से डिफ्रेंशियट करना है वी को यानी इसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या फार्मूला आया था विलोस्टी का दिस वन इज टी क्यूब माइनस थ्री टी स्केयर प्लस टू टी तो यूज़ कीजिए ज़रा पावर रूल तो थ्री टी स्केर बनेगा यहाँ से माइनस सिक्स टी टू थ्री से मल्टीप्लाई होके सिक्स आ जाएगा प्लस टू आ जाएगा ठीक है तो दिस इज एक्सिलेशन अब एक्सीलेशन को आपने मैयर करना है एंड पॉइंट्स पर ए ऑफ ज़ीरो थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो स्केयर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई ज़ीरो प्लस टू तो इसका आंसर आ जाएगा टू यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से थ्री पर अगर आप देखें तो थ्री पे आएगा जी थ्री मल्टीप्लाई थ्री स्क्वेर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई थ्री प्लस टू थ्री की पावर थ्री होता है ट्वेंटी सेवन माइनस एटीन करेंगे तो नाइन आ जाएगा नाइन में जब आप टू ऐड करेंगे तो दिस इज गोइंग टू तो बी अलेवन मीटर पर सेकेंड स्क्र राइट सी पार्ट पे आ जाए ओके okay, स्पेस भी थोड़ी सी कम है इसको जरा थोड़ा सा हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं सॉरी सो ओके दिस इज इनफ सो लास्ट लेक्चर में भी वैसे आपको मैंने डिटेल में इसकी जोमेट्री भी बताई थी कि कैसे हम फाइंड करते हैं कहाँ से बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है उसके लिए डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर ज़ीरो है ना वो पॉइंट ऐसा है जो कि मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम भी हो सकता है ठीक है उसके एक तरफ आमतौर पर यह होता है कि आपका डेरीवेटिव जो है वो साइन लेट से पॉजिटिव दे रहा है दूसरी तरफ नेगेटिव देगा या एक तरफ नेगेटिव है दूसरी तरफ पॉजिटिव है तो वो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ से बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अगर नहीं समझ सके तो पिछला लेक्चर एक मरतबा लाजमी देखें उसमें मैंने इसको जोमेट्री के साथ बताया तो खैर अभी के लिए यही है कि आप वी ऑफ टी को ज़ीरो के गोल रखेंगे यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वी ऑफ़ टी हमारे पास आया था दिस वन टी क्यूब माइनस थ्री टी स्केयर प्लस टू टी टी क्यूब माइनस थ्री टी स्केयर प्लस टू टी सिंपली सॉल्व कर लें टी कॉमन आ जाएगा बाकी बचेगा टी स्केयर माइनस थ्री टी प्लस टू टी यहाँ से ज़ीरो लिख रहे हैं उसको बाकी का भी जीरो आ जाएगा तो इसमें आप इसको मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं फैक्टराइजेशन तो टी स्केयर माइनस टी माइनस टू टी प्लस टू पहली दो टाउन में से टी कॉमन लीजिए बाकी बचेगा टी माइनस वन देन माइनस टू कॉमन लें फिर से टी माइनस वन फर्दर दोनों टाउन्स में से टी माइनस वन कॉमन आ रहा है बाकी बचेगा टी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो प्रोडक्ट जीरो इक्वल है इधर दिस वन और दिस वन इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से दो और वैल्यूज आने वाली हैं एक आएगी वन और दूसरी आ जाएगी टू ज़ीरो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं तो आपका इंटरवल था ज़ीरो से थ्री तक यस तो अब आसानी के लिए हम रियल लाइन लगाते हैं और इस चीज़ को रियल लाइन के ऊपर हम देखने की कोशिश करते हैं लेट से ये रियल लाइन है और इस रियल लाइन के ऊपर हमारा जो इंटरवल है फ्रॉम ज़ीरो टू थ्री और पॉइंट्स एक तो ज़ीरो ही आ गया ठीक है दूसरा आया वन एंड दूसरा आ गया टू वन और टू आपका इंटरवल तीन हिस्सों में बैठ गया ज़ीरो से वन तक वन से टू तक और टू से थ्री तक अब आप तीनों हिस्सों में से कोई एक टेस्टिंग टेस्टिंग नंबर लेंगे हम फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं जीरो पॉइंट फाइव वन और टू के दरमियान से हम ले, ले लेते हैं वन पॉइंट फाइव टू और थ्री के दरमियान से हम ले ले लेते हैं टू पॉइंट फाइव इन तीनों नंबर्स को आपने अपने डेरिवेटिव में पुट करना है दिस इज द डेरिवेटिव अगर आपका आंसर पॉजिटिव आए एक इंटरवल में और दूसरे इंटरवल में नेगेटिव आए दैट मीन्स फंक्शन उस पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है बॉडी जो है उस पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वी ऑफ टी में सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं जीरो पॉइंट फाइव पे वी ऑफ टी इस केस में हमारे पास क्या बन रहा था दिस इज बेसिकली टी क्यूब तो ये आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव का क्यूब प्लस ये माइनस था माइनस था सॉरी थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो पॉइंट फाइव देन हमारे पास तो से प्लस टू टी टू मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फाइव तो हमारा आंसर हमारा बेसिकली इसको सॉल्व करने का मकसद है साइन देखना ठीक है तो इसका और जब आप सॉल्व करेंगे जीरो पॉइंट फाइव पे या जीरो वन वाले इंटरवल के अंदर इसका आंसर पॉजिटिव आएगा ठीक है या आप खुद से कर भी सकते हैं और मैं बल्कि आपको कहूंगा कि आप एक बार इसको सोल्व करके देख लें इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 1.5, जब आप v को 1.5 पॉइंट फाइव पर वैल्यूएट करेंगे ठीक है इस केस में आपके पास ये इसका आंसर आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट आपने पकड़ना है 2.5 तो 2.5 के अंदर जब आप इसको वैल्यूट करेंगे तो ये एक मरतबा फिर से पॉजिटिव आ जाएगा तो देखें जरा सबसे पहले साइन अल्टरनेट कर रहा है ना पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हो गया ठीक है तो इसका मतलब है फंक्शन कुछ इस तरह से होगा इस इंटरवल के अंदर ऊपर की तरफ फिर नीचे आएगा फिर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है यस वन और टू ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है यू कैन राइट टी इज टू वन एंड डी इज इक्वल टू टू आर द पॉइंट आर द पॉइंट वेयर बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन ठीक है यानी ये ऐसे पॉइंट है जहां से बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है ओके सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर फोर नेक्स्ट पे आ जाए फाइव में सेम काम करना है थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं इस मरतबा इंटरवल आपका है वन से लेकर फाइव तक सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट पार्ट ए है आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए वी हैव डेल एस इज इक्वल टू एस ऑफ़ फाइव इन दिस केस माइनस एस ऑफ वन तो पुट करें जरा एस ऑफ फाइव के लिए ट्वेंटी फाइव ओवर फाइव स्केर माइनस फाइव ओवर फाइव नेगेटिव साइन वन पर करेंगे तो ये बनेगा ट्वेंटी फाइव ओवर वन स्कोर माइनस फाइव ओवर वन सॉरी तो ये बनेगा ट्वेंटी फाइव ओव ट्वेंटी फाइव कैंसिल माइनस फाइव ओवर फाइव कैंसिल तो ये जीरो हो जाएगा इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर बनने वाला है देट इज गोइंग टू बी माइनस ट्वेंटी और इसका यूनिट होता है मीटर ठीक है माइनस ट्वेंटी मीटर नेक्स्ट आपने फ़ाइंड करनी है जी एवरेज वेलोसिटी जिसका फार्मूला आपके पास सिंपल डेल एस ओवर डेल टी ये हमें वैसे ब्रैकेट में लिखना नहीं चाहिए चेंज इन एस है ये विदाउट ब्रैकेट इसको लिखना चाहिए सिंपल डेल डेल एस ओवर डेल टी डेल एस हम फाइंड कर चुके हैं विच इज़ माइनस ट्वेंटी टी क्या आएगा फाइव माइनस वन करेंगे तो आपके पास डेल टी आ जाएगा तो फाइव माइनस वन होता है फोर फोर को जब डिवाइड करेंगे सॉरी माइनस ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे फोर से तो दिस इज माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड ये था आपका पार्ट ए बी पार्ट में आपको बॉडी की स्पीड मेजर करनी है और एक्सीशन बट एट द एंड पॉइंट्स। स्पीड के लिए स्पीड का जो फॉर्मूला है बेसिकली दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑफ वेलोसिटी ऐसे ही है तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी वेलोसिटी वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं डेरीवेटिव फाइंड करके ठीक है डेरीवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आएगा डेरीवेटिव पहले मैं एस को थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं इधर क्या फंक्शन दिस वन टी स्केयर है मैं ऊपर जाके पावर माइनस टू कर देता हूँ यहाँ पर टी नीचे है वन ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगी तो ये बनेगा ट्वेंटी फाइव टाइम्स टी पावर माइनस टू माइनस फाइव टाइम्स टी पावर माइनस वन ऐसे ही होगा ना तो जब आप इसको करेंगे सिम्प्लीफाई तो ये आपके पास बनेगा माइनस टू स्टार्ट में ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई होकर माइनस का फिफ्टी टी की पावर में कम करेंगे तो माइनस थ्री बन जाएगा माइनस वन स्टार्ट में प्लस वन बनेगा फाइव मल्टीप्लाई टी पावर माइनस टू च कैन बी रिटर्न एज 50 over t cube क्यूब over t square। टी स्क्र तो जनाब ये आपके पास आ गई है velocity। अब हमें चाहिए speed। End points पर तो end point आपके पास एक है वन और दूसरा है फाइव तो बारी बारी ज़रा इसमें वन और फाइव put करें और उसकी absolute value calculate कर लें तो पहले हम start करते हैं जी वन से तो ये आ जाएगा माइनस फिफ्टी ओवर वन क्यूब प्लस फाइव ओवर वन स्क्वायर और इसकी फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी नीचे वन है कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास आ जाएगा जी माइनस फिफ्टी प्लस फाइव सिंप्लीफाई करेंगे माइनस का फोर्टी फाइव आएगा क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये प्लस के फोर्टी फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है स्पीड का यूनिट हमारे पास होता है जी मीटर पर सेकेंड इसी तरह से दूसरा एंड पॉइंट आपके पास है फाइव तो वी ऑफ़ फाइव भी कैलकुलेट किया जा सकता है माइनस फिफ्टी डिवाइडेड बाय फाइव क्यूब ऐसे ही प्लस फाइव ओवर फाइव आपके पास होता है जी वन ट्वेंटी फाइव एंड वन ओवर फाइव यहां से आएगा तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग फाइनल आंसर मैं इसका यहां पर लिख देता हूँ दैट वुड बी वन ओवर फाइव ठीक है ये आ जाएगा वन ओवर फाइव मीटर पर सेकेंड लीजिए जनाब ये आपका था पार्ट बी इसी तरह से पार्ट सी पे आ जाए सी में आपको क्या करना होता है वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है वी ऑफ टी को रखें ज़रा जीरो के इक्वल तो ये वी ऑफ टी ये हमने फाइंड आउट किया था ना ऐसे ही है तो अच्छा इसमें आप ये करें कि इसका एलसीएम ले नीचे से टी क्यूब बन जाएगा इकट्ठा करने के लिए ना ऊपर आ जाएगा माइनस फिफ्टी प्लस फाइव टी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो बेसिकली वी ऑफ टी है बट उसको थोड़ा हमने रीअरेंज करके लिखा है ठीक है अब ये ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है जीरो कहाँ पे हो रहा है वेन दिस न्योमिनेटर ज़ीरो हमने ज़ीरो देखना होता है ना तो सॉरी दिस इज माइनस फिफ्टी प्लस फाइव टी इक्ल जब करेंगे ज़ीरो के तो दिस एम्प्लाइज दैट फाइव टी इक्वल टू फिफ्टी और जब आप दोनों तरफ फाइव से डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी टेन बट ऑब्जर्व करें कि टेन तो हमारे इंटरवल में ही नहीं आ रहा हमारा तो इंटरवल था वन से फाइव तक टेन आउटसाइड द इंटरवल है इसका मतलब है जनाब कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी यू कैन राइट द बॉडी नेवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन इनसाइड द इंटरवल मे भी ओवरऑल भी हो बट चूंकि हमारा कंसर्न है जिस इंटरवल जो की वन है उसके अंदर देखना तो सो द बॉडी नेवर चेंजेज डायरेक्शन ओके ऑल राइट लास्ट पार्ट पे आ जाए विच इज सिमिलर टू द अबव फिफ्टी सॉरी ट्वेंटी फाइव ओवर टी प्लस फाइव और इस मरतबा इंटरवल है माइनस फोर uh, से लेकर ज़ीरो तक तो so, सबसे पहले डिसप्लेसमेंट कैन बी फाइंड आउट एस ओफ ज़ीरो माइनस एस ऑफ माइनस फोर राइट टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट फंक्शन की वैल्यू जीरो के लिए आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ओवर जीरो प्लस फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर माइनस फोर प्लस फाइव तो दिस इज गोइंग टू बी फाइव नीचे आ गया वन डिवाइड करेंगे तो ये भी आपके पास फाइव बनेगा तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सॉरी uh, ट्वेंटी फाइव बनेगा अभी फाइव कैसे आ गया ये ठीक है ये बेसिकली आपके पास है ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई माइनस फोर प्लस वन तो ये बनेगा ट्वेंटी फाइव ये बना था फाइव माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी मीटर दिस इज दी डिसप्लेसमेंट इन दिस इंटरवल एवरेज वेलोसिटी के लिए आपका फार्मूला आप जानते हैं वी इज़ इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी तो डेल ऐसे इस केस में आपके पास है ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं दिस इज माइनस ट्वेंटी जबकि डेल टी की बात की जाए तो वो हमारे पास इस केस में ज़ीरो माइनस माइनस फोर तो नीचे बनेगा प्लस का फोर सिंप्लीफाई करने से माइनस फाइव आंसर बनेगा एंड इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड बी पार्ट में आपको बॉडी की स्पीड वैसे ही और एक्सीशन फाइंड करना है स्पीड के लिए हमें सबसे पहले इसकी चाहिए होगी क्या चाहिए होगा भला स्पीड आप जानते हैं हम फाइंड करने के लिए उसकी पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं और वेलोसिटी की एब्सुलट वैल्यू बेसिकली स्पीड होती है राइट right? और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यू कैन सिंपली टेक द डेरिवेटिव ऑफ एस ऑफ टी एस ऑफ टी क्या चीज है भाई इस केस में लगा दें जरा वैल्यू एस ऑफ टी की फंक्शन है ना ट्वेंटी फाइव ओवर टी प्लस फाइव तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का क्वेश्चन रूल अगर एक और तरीका भी है लेकिन रिकमेंडेड यही है क्योंकि अभी तक हमने चेन रूल नहीं पढ़ा लेकिन ठीक है ठीक है ओके तो टी प्लस फाइव का स्केयर आ जाएगा नीचे टी प्लस फाइव एक मरतबा ऊपर एज इट इज़ और ट्वेंटी फाइव का डेरिवेटिव जो कि होगा जीरो चूँकि ट्वेंटी फाइव कॉन्स्टेंट है माइनस अब ट्वेंटी फाइव ऐसे और इसका डेरिवेटिव जो कि होगा वन प्लस जीरो तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टी प्लस फाइव का स्केयर ये आपके पास आ गई है वेलोसिटी हमें चाहिए स्पीड और स्पीड भी चाहिए एंड पॉइंट्स पर यानी जीरो पर और माइनस फोर पर हम पहले माइनस फोर के लिए करते हैं सो स्पीड एट माइनस फोर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई माइनस फोर प्लस फाइव स्क्वेर आ जाएगा तो नीचे वन बनेगा ऊपर ये माइनस इन एब्सोल्यूट की वैल्यू वजह से पॉजिटिव होकर प्लस का ट्वेंटी फाइव बन जाएगा और आप जानते हैं स्पीड का जो हमारे पास यूनिट होता है दैट इज बेसिकली मीटर पर सेकेंड ऐसे ही है बिल्कुल और दूसरी तरफ हमारे पास जो दूसरा एंड पॉइंट है वो जीरो है अब आप सेम काम जीरो के लिए भी कर लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई जीरो ना जीरो प्लस फाइव का स्केयर आ जाएगा ऊपर भी ट्वेंटी फाइव बन गया नीचे भी ट्वेंटी फाइव बन गया बट ऊपर है नेगेटिव में तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस वन अल्टीमेटली वन मीटर पर सेकेंड बन जाएगा दिस इज द वेलोसिटी एट सॉरी नॉट नॉटस्टी स्पीड एट जीरो बी पार्ट में अब हमें एक्सीलरेशन भी करना है एक्सीलरेशन क्या होता है वेलोसिटी का ही डेरिवेटिव होता है तो एक मरतबा फिर आपको डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को यानी डी वी ओवर डी टी तो ये आप, आपका काम है आपने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है यूजिंग द सेम रूल ठीक है तो मैं आपको इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली बता देता हूँ क्या आ जाएगा जी फिफ्टी प्लस का होगा ये डिवाइड बाई टी प्लस फाइव की पावर थ्री मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको क्वेश्चन रूल को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद से वेल्यूएट करना है ठीक है चलें जी। इसका अब हम एंड पॉइंट्स पर चूँकि वैल्यूएट करना है पहले हम करते हैं माइनस फोर पे तो ये आ जाएगा फिफ्टी डिवाइड बाई माइनस फोर प्लस फाइव पावर थ्री तो नीचे वन की पावर थ्री वन ही होता है तो आंसर में फिर फिफ्टी आ जाएगा यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाँ अगर ज़ीरो पे करें ए ऑफ ज़ीरो आ जाएगा फिफ्टी ओवर ज़ीरो प्लस फाइव का क्यूब फाइव का क्यूब होता है वन ट्वेंटी फाइव तो ऊपर है फिफ्टी नीचे है वन ट्वेंटी फाइव जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे ट्वेंटी फाइव से तो आपका आंसर आ जाएगा जी टू डिवाइडेड बाय फाइव बिल्कुल मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो दिस इज द एक्सिलेशन एट माइनस फोर एंड जीरो पार्ट में हम क्या करते हैं द बॉडी वेयर चेंजेस इट्स डायरेक्शन और उसके लिए हम फिर डेरिवेटिव को यानी वेलोसिटी को इक्वल रखते हैं जीरो के वेलोसिटी आपके पास क्या थी भला इधर गई ये वाली थी यस दिस वन माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर टी प्लस फाइव का होल स्केर माइनस ट्वेंटी फाइव दिस इंप्लाइज दैट माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टी प्लस फाइव का होल स्केर अच्छा क्या ये ज़ीरो हो सकती है नहीं हो सकती क्योंकि निमिनेटर में वेरिएबल अपीयर नहीं हो रहा सो दिस एम्प्लाइज दैट वी ऑफ टी कैन नेवर बी ज़ीरो किसी भी टी की वैल्यू के लिए इसका आंसर जीरो नहीं आ सकता रीज़न बता चुका हूँ चूँकि इसके न्योमिनेटर में टी अपीयर नहीं हो रहा एक कॉन्स्टेंट है कॉन्सटेंट कभी भी ज़ीरो के कुल नहीं हो सकता नॉन-जीरो ठीक है? तो इसका मतलब है है है, है, पिछले क्वेश्चन क्वेश्चन की तरह इसमें भी बॉडी जो है वो अपनी चेंज नहीं कर कर रही, तो तो लास्ट पे बस आपने ये एक लाइन ऐड राइट? आज के के लिए तो नहीं काफी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 आप